हमारे साथ हैं ईट भट्टा ईट उद्यमी कल्याण समिति अमेठी के अमेठी उपाध्यक्ष, शुभ नाम सर आपका? अबीब खान। अबीब खान, तो अमेठी जनपद में भट्टा मालिकों के सामने एक जो बड़ी समस्या है कि वैसे तो ये जिला फैजाबाद क्षेत्र में आता है, लेकिन भट्टे का जो कर लेना है वो इसको लखनऊ मंडल से जोड़ दिया गया है बी क्लास का, और जबकि अयोध्या मंडल पूरा आता है सी क्लास। और अभी तक ईंट भट्टा मालिक या अपना कर जब तक मैनुअल जमा होता था तो वो बी श्रेणी में जमा कर देते थे, सी श्रेणी में जमा कर देते थे, लेकिन जब से ये पोर्टल पे चला गया है तो पोर्टल पे बी श्रेणी ही दिखाता है, और इस वजह से भट्टा जो मालिक हैं वो अपना ये कर नहीं जमा कर पा रहे हैं। जी आप बताएं, बेसिक समस्या क्या है? उसमें हम लोगों को 25-30 हजार रूपए पर भट्टा ज्यादा जमा करना पड़ेगा। 25-30 हजार रूपए? हाँ, पर भट्टा ज्यादा। बाकी आप लोग हैं तो फैजाबाद मंडल में अमेठी जनपद सी श्रेणी में है, लेकिन ये अरे जब से जिला बना हम लोग सी श्रेणी में जमा करते रहे। अच्छा, जब से जनपद बना आप सी श्रेणी में जमा कर। ऑनलाइन जब से हुआ तो उसमें बी दिखाता है जी। तो खनन अधिकारी कहते हैं इतना जमा करो, नहीं हम चालान नहीं पास करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने तय किया है कि वहाँ भी लिख के लखनऊ में भी दिया गया है कि इसको दुरुस्त कीजिए, इसको सी श्रेणी में किया जाए, जिससे आपको टैक्स जमा करने में आसानी रहे। हाँ, बीज हो गया, इसको ठीक किया जाए। अच्छा, रेगुलेटिंग फीस या मिनिमम शुल्क जो है वो जमा करने में आप लोगों को असुविधा है, एक समस्या ये है। और दूसरी समस्या ये है कि जो आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 का वित्तीय वर्ष है उसमें आपका GST 1% से 6% कर दिया, जिससे ईंटों की कीमत भी बढ़ जाएगी और महंगाई और बढ़ेगी। धन्यवाद। सर, आज आप लोगों का प्रदर्शन किस उद्देश्य से है? वही जो GST बढ़ा दिया है भारत सरकार ने, उसी के लिए था। GST जो ईंट पे बढ़ा दी है 1% से लेकर 6% कर दिया है। और दूसरा जो शुल्क का मामला है, आप विनिमय शुल्क पूरे अयोध्या मंडल में जी सा श्रेणी है जी। हम लोग भी पिछले साल तक सा श्रेणी में थे जी, और इस साल हम बा श्रेणी में कर दिए गए। केवल फैजाबाद मंडल का यही एक जिला, जबकि सुल्तानपुर से कट कर बना है, सुल्तानपुर सा श्रेणी में है। और अमेठी को इस साल किया गया, पिछले साल तक हम लोग अमेठी को बा श्रेणी में कर दिया। हाँ, इस वजह से आप लोगों का शुल्क नहीं जमा हो पा रहा। हम अभी जमा नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये है, आपने एक बात लिखी है कि मैन्युफैक्चरर सेक्टर को 40 लाख सालाना टर्नओवर पर उन्हें GST में कर मुक्त है, टर्नओवर GST कर मुक्त है, और आप लोगों की ये सीमा 20 लाख कर दी गई। 1.5 करोड़ तक हम लोग का समाधान 1% देना पड़ेगा। 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़। हाँ, जब 1.5 करोड़ ऊपर जाएंगे तो उनको हम लोग 5% देते हैं, उसको 12% कर दिया गया है। अच्छा, 1.5 करोड़ के ट्रांजेक्शन में 1.5 करोड़ हम लोगों का 1.5 करोड़ ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1% देते हैं, हम लोग देते हैं इस समय देते हैं जी। हाँ, अब 2022 से 6 गुना बढ़ा दिया गया, 6% कर दिया गया है। 1% को 6% कर दिया गया है, तो इससे जो है आप लोगों को ईटा महंगा हो जाएगा, कम से कम 5 रुपया महंगा हो जाएगा, किसानों को दिक्कत होगी, हम लोग किसानों से पैसा लेंगे तो चलाने में दिक्कत होगी। तो ये आपने केंद्रीय वित्त मंत्री से ज्ञापन दिया, मांग किया है कि पुराना GST लगाए, पुराना GST 1% ही लागू रहेगा आगामी वर्ष में। हम लोग कोरोना से वैसे ही परेशान हम लोग जी। शुभ नाम सर आपका? जितेंद्र विजय सिंह, अध्यक्ष तुम्हें कल्याण समिति अमेठी सुल्तानपुर। और आप महामंत्री मनोहर कुमार गावरी अमेठी से। धन्यवाद। ईंटों की कीमत पर पड़ेगा, भगवान ने मिट्टी की दीवार बनाकर आवास बनाना बंद हो चुका है, और निर्माण के लिए भट्टे में निर्मित लाल ईंटों का दूसरा विकल्प जनसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं है। तात्पर्य यह है कि ईंटें विकास के साथ साथ मानव जीवन की मूलभूत जीवन उपयोगी आवश्यकता है, इसलिए ईंटों का इस प्रकार बिना सोच विचार के आव्यवहारिक एवं मनमानी कर दर वृद्धि गलत एवं अन्यायपूर्ण है। अंत में उपरोक्त व्यवहारिक तथ्यों के साथ आपसे निवेदन है कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 3 करोड़ बेरोजगार भूमिहीन निर्बल वर्ग के श्रमिकों को रोजगार देने वाला भट्टा उद्योग
तथा आम जनहित में ईंटों पर कर वृद्धि में प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से नष्ट करते हुए आगामी सीजन वर्ष के लिए ईंट बिक्री को करमुक्त घोषित किया जाए। दूसरी मांग हमारी है मैं शुल्क श्रेणी सात के स्थान पर बाह में होने पर भट्टा स्वामियों द्वारा बिन में शुल्क जमा नहीं करने के संबंध में निवेदन है कि जनपद का विनिमय शुल्क श्रेणी सात के स्थान पर पाम खनिज विभाग की विभागीय त्रुटि से हो गया है। जनपद अमेठी का गठन सुल्तानपुर से पृथक करके किया गया है। अमेठी व दोनों सुल्तानपुर तथा जनपद फैजाबाद मंडल के अंतर्गत हैं। फैजाबाद अयोध्या सुल्तानपुर दोनों जनपद सा श्रेणी में है, जबकि अमेठी जो सुल्तानपुर से गठित किया गया है किसी त्रुटिवश श्रेणी बा में हो गया है। अमेठी के भट्टा स्वामी विनिमय शुल्क श्रेणी बा में हो जाने कारण मजबूरी में जमा नहीं कर पा रहे हैं। महोदय आपसे निवेदन है कि अमेठी जनपद को श्रेणी बा के स्थान पर श्रेणी सा में कराने की कृपा करें, जिससे भट्टा स्वामी विनिमय शुल्क जमा कर सके।